यार जाहिर सी बात है, बहुत खुशी होती है। एक पिक्चर में आप बहुत मेहनत करते हैं, ख़ास तौर पर अगर गोल्ड की बात की जाए। हम लोगों ने इसमें लिटरली रात दिन नेक किया है, और सभी ने, कैमरा डिपार्टमेंट से लेकर आर्ट डिपार्टमेंट, कैमरा के पीछे, कैमरा के आगे, सारे एक्टर, सारे हॉकी प्लेयर, हम सभी ने बहुत मेहनत की है। एंड अब बहुत खुशी हो रही है कि जब हिंदुस्तान लोग पिक्चर देख रहे हैं, उनको पसंद आ रही है, सो अच्छा लगता है। नहीं, गणित में, मैं गणित में हमेशा वीक था, तो वो सब मैं वहाँ ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो आप कर लेते ना, 71। नहीं, मैं ये सब नहीं पढ़ता ही नहीं, मैं ये सब नहीं पढ़ता नहीं, मैं नहीं, मैं पढ़ता ही नहीं सब। और मुझे लगता है आप ये सब बातें करना भी बंद कर दो, ऑडियंस को ये सब बताना कि ये पिक्चर 200 कमा रही है, 700 कमा रही है, ट्रेड है। और आई थिंक एज अ पत्रकार, आप लोग, आप तो बहुत लायक हैं, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं तो कितने इंटरव्यू कर चुका हूँ आपके, मैं बहुत इज्जत करता हूँ आपकी। इनफैक्ट आप भी इस तरह की बातें करना बंद कर दो। एक आर्टिस्ट को आप क्या पूछोगे 200 है, 300 है, 500 है, ये आंकड़े हैं। ऑफकोर्स मैं चाहता हूँ मेरी पिक्चर अच्छी करे, बट जैसे आपने कहा, दुनिया देख रही है, तो अगर दुनिया देख रही है तो फिर जो रेवेन्यू है वो भी आ जाएगा। बट 5 दिन हुए पिक्चर को रिलीज़ हुए, अपने फेवरेट सीन के बारे में बताइए, है ना। अगर मेरी परफॉर्मेंस से आपको कुछ अच्छा लगा तो वो पूछिए। अब आप पूछ रहे हो कि 200 कमाए, 300 कमाए, मतलब आपको कुछ दिखाई नहीं, आप पिक्चर देख रहे थे, वो ये 200 कमाए, ये 300 कमाया। मेरा ये मानना है, आपको छोटा भाई बड़ा भाई समझता हूँ मैं, कि ये सब बातों को थोड़ा हटा के अच्छी बातें करते हैं। जी बिल्कुल, अच्छा ठीक है, कोशिश करता हूँ। हाँ, कोशिश करो, मुश्किल है तुम्हारे लिए, बट करो। फिल्में कोई चूज करते हैं जी, क्या आपके ध्यान में होता है कि क्योंकि ये फिल्म हम देख रहे हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रही है, तो जो भी आपको कैरेक्टर, जो यार देखो, सबसे पहले तो जैसे आप, हम सब सेम है, हम लोग बाहर से आए, हम सबको काम करना है, अपने रेंट देने हैं, अपने परिवारजनों का ख्याल रखना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक फाइनेंशियल नीड है। सो हम इतने चूज ही नहीं हो सकते। अब आप तो नहीं कह सकते कि मैं अमित साध का इंटरव्यू नहीं लूँगा, मैं इसका इंटरव्यू लूँगा। काम तो करना है हमने सुबह से शाम तक, तो मैं भी आप जैसे ही हूँ, मुझे भी काम करना है। और जो मेरे पास जो 3-4 चॉइस होती हैं, उसमें से जो मेरी थोड़ी बहुत समझ, मैं उसमें से पिक करता हूँ। ये खुशकिस्मती है, यू नो, कि गोल्ड जैसी फिल्म मुझे मिली, और रीमा ने मुझे इतना बड़ा रोल दिया, और पिक्चर अच्छी चल रही है। एंड सो इट्स जस्ट अबाउट गेटिंग द राइट अपॉर्चुनिटीज, बस इसी तरह काम मिलते जाए। जी, मैं तो कोशिश करूंगा कि हर दिन आपका इंटरव्यू करूं। अरे थैंक यू भाई, अगर मैं बात करूं, बस आखिरी की बात मत करना दोबारा कभी भी। अगर मैं बात करूं, कभी नहीं। थैंक यू। अगर मैं बात करूं, अगर आपके फैमिली मेंबर ने अगर फिल्म देखी, जी, क्योंकि हमने हर जगह तो देखा लोगों का, क्या बॉलीवुड से तो देखा लोगों का रिस्पांस मिला, लेकिन आपके फैमिली में, मेरे फैंस, दोस्त, सब परिवार, सब बहुत खुश हैं, और उनको पिक्चर बहुत अच्छी लग रही है। एंड बस इतना ही। फिल्म रिलीज होने के बाद जी, जब भी क्या टेक होता है आपका कि हाँ चलो जो कुछ भी हमने किया, अभी तो अच्छा लग रहा है यार, क्योंकि इतना आप जब काम करते हो, आप चाहते हो कि आपके काम की सराहना हो, आपकी पिक्चर की सराहना हो। सो अभी जहाँ जा रहे हैं, हर जगह बहुत तारीफ हो रही है और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। बट अगेन, इस हमारे लाइफ तो इस लगा क्रिकेट मैच, अब ये पिक्चर ख़त्म हो गई है, और यू टेक द बेस्ट एंड यू मूव फॉरवर्ड, एंड यू अगेन हैव टू वर्क हार्ड ऑन द नेक्स्ट कैरेक्टर। आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, और बट ये प्रोसेस है, यू नो, दिस इज द प्रोसेस। ओके, जो आपका कैरेक्टर है फिल्म में, एक एटीट्यूड नहीं, एटीट्यूड तो हमेशा रहता है, उसका एटीट्यूड गलत नहीं है, वो ऐसे कोई घमंडी या फिर अनएडुकेटेड आदमी नहीं, वो एक बढ़िया है कि राज घराने में पैदा हुआ एक राजा का बेटा है, सो वो उसी तरह रहेगा। ऐसे तो ऑफकोर्स, क्योंकि उसको बेटर मालूम नहीं है, तो स्पोर्ट जो है, मैं स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ, स्पोर्ट्स जो है आदमी में बहुत परिवर्तन लेके आता है, अच्छी क्वालिटीज डालता है। सो वैसे ही जब वो स्पोर्ट खेलता है, दूसरे शहरों के प्लेयर्स के साथ मिलता है, एक अच्छा कोच मिलता है उसको, उसको समझ में आता है कि भाई जो गेम जो है वो मुझसे बड़ा है और देश सबसे बड़ा है, तो इन सब चीज़ों से उसमें परिवर्तन आता है। एटीट्यूड तो उसके ब्लड में है। सो अगर आप 5 साल के बाद गोल्ड 5 में आएगी, रघुवीर बात तो ऐसे ही करेगा, ये कि अभी पास कर देगा। हाँ यार, मैं चाहता हूँ, देखिए स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट मूवीज़ में सीखने को बहुत मिलता है, ऑडियंस को भी अच्छी लगती है,
एंड आपके देश में जो स्पोर्ट्स है उसकी अवेयरनेस भी होती है. बट मैं भी यही कहूँगा आपको कि इंडिया में हम लोग क्रिकेट को लेकर इतना प्रभावित है कि हम बाकी स्पोर्ट्स लोगों की इज्जत ही नहीं करते. सो मैं यही चाहूँगा कि एक एथलीट की रिस्पेक्ट हो. अब वो कौन सा स्पोर्ट खेलता है उस स्पोर्ट की भी इज्जत करें, बट एथलीट की इज्जत होनी चाहिए एंड उसको सपोर्ट करना चाहिए. तो इंडिया में आई थिंक जब ये शुरू हुआ तो फिर हम ओलंपिक में भी और गोल्ड जीतेंगे, यू नो. और जी यार, मेरा मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूँ. मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ यार, यू नो. तो बट मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूँ कि मेरे जो करना चाहता हूँ मुझे मिलेगा. हाँ, मैं फ्री होता ही नहीं हूँ कभी. सोने जब जाते हैं तो लोग सोचते हैं काश नहीं, मेरे को इस तरह नहीं. मैं सोते वक्त ये सब ख्याल नहीं आते मुझे. सोते वक्त मेरे मन में एक ही ख्याल आता है, मैं ऊपर वाले का, खुदा का शुक्रगुजार करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने मेरे को इतना अच्छे से, यू नो, समझ से मेरा इतना बेहतरीन दिन दिया है. और आशा करता हूँ कि दोबारा भी अगले दिन आपका अनुग्रह मेरे साथ रहेगा. मैं सोने से पहले ये सब सोचता हूँ. मैं सोने से पहले ये नहीं सोचता कि आज मेरे कौन सा रोल मिलेगा, काश मेरे को वो बायोपिक मिलेगी. लोग सोचते हैं ऐसा, आपको किसी ने बताया कि वो ऐसा सोचता है? आप कुछ लोगों ने इंटरव्यू में बताया कि मैं ऐसा सोचता हूँ सोने से पहले. हाँ, कि काश ये मिल जाए. सोने के बाद बहुत सारे ख्याल आते हैं, ऐसा भी लोगों ने नहीं यार, मैं सोते वक्त सोता हूँ. जो अपकमिंग कुछ फिल्में हमने, मेरे पास कोई फिल्म नहीं इस वक्त. जैसे कि बताया कुछ वेब सीरीज का कुछ आपसे अनाउंसमेंट करने वाले हैं. किसने कहा ऐसा? हमारे पास खबरें हैं और भी कुछ जो फिल्में हैं जी. अभी तो कुछ नहीं, आई होप गोल्ड के बाद और काम मिले जी. तो हम, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में वेब सीरीज बहुत ही पसंद की है. जी जी जी, अच्छा, एक नया एक जगह खुल रही है और लोगों को काम मिलेगा, टैलेंट को अपना टैलेंट दिखाने का एक और एवेन्यू मिलेगा. सो अच्छा, हम सबके लिए अच्छा है. जितना हिंदुस्तान में जगह खुलेगी उतना हम लोग को काम मिलेगा, उतना अच्छा हम लोग अपनी लाइफ जी सकेंगे. सो आई वेलकम जी. और अच्छी खासी आपने बॉडी भी बनाई है जी, तो उसके बारे में बताइए कि मतलब नहीं, आप भी बना सकते हैं. जिम जाइए, खाना खाइए, प्रोटीन खाइए, रेस्ट कीजिए, आप भी बना लीजिए. नहीं मतलब कि कोई तैयारी चल रही है सर? कोई जी, मैं ग्रोल के लिए तैयार हो रहा हूँ, बहुत जल्दी बताऊँगा. जी ठीक है. तो जाते आते अपने फैंस को जिन्होंने इतना सारा प्यार दिया, मैं सबका हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूँ. मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ. मेरी पिक्चर आपने गोल्ड देखी और उसको इतना प्यार दिया एंड मुझे आप लोग सब हमेशा सपोर्ट करते हैं एंड दैट मीन्स अ लॉट टू मी. लॉट्स ऑफ लव.